हमारे सौर मंडल का आठवां और अंतिम ग्रह नेपच्यून है, जिसका नाम रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र के देवता नेपच्यून के नाम पर रखा गया है। नेपच्यून की खोज 19वीं सदी में की गई थी, पर क्या आपको पता है कि सबसे पहले नेपच्यून को इटालियन खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली ने देखा था? जी हाँ, आज के दिन यानी कि 28 दिसंबर 1612 को गैलीलियो ने नेपच्यून को एक टेलीस्कोप से देखा था। पर गैलीलियो ने इस ग्रह को एक तारा समझ लिया था, और यह भ्रम इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन नेपच्यून रेट्रोग्रेड मोशन में आया था। दोस्तों, ऐसे यूनिक फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए द सोल गर्ल चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।